हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। इसका नाम है अमन और ये दिल्ली से आया हुआ है और इसने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था और ऑनलाइन कोर्स से स्टडी कर रहा था। कन्फ्यूजन ये था क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में ये पढ़ाई करता था 3-4 आवर में। हमेशा बोलता था कि ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो तो 2 आवर वीडियो देख के करीब करीब 5-6 आवर प्रिपरेशन करनी है। तो कभी कभी जो कन्फ्यूजन होता है वो इसको था। इसने कहा कि सर मैं कुछ दिन के लिए क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, तो 1 वीक के लिए क्लासरूम कोर्स के लिए आया था और 1 वीक में इसने जो क्लासरूम में फील किया, मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ते समय समझ में नहीं आनी थी, जो यहां आके आई। और अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्योंकि ना भी आए पर अगर वो ये समझ पाए कि क्या करना है तो भी काम हो सकता है। तो मैं आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि केवल आपको वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है और उसके बाद जो आपको असाइनमेंट या टेस्ट पेपर्स मिलते हैं वो भी सॉल्व करना है। तो अमन, सबसे पहले आप सारे बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन सराफ है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने 1 महीने पहले पेन ड्राइव ली थी और मैं पेन ड्राइव से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बस मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि मैं 3-4 घंटे भी सेल्फ स्टडी करता था तो मुझे लगता था कि आज बहुत पढ़ लिया और फिर मुझे ये लगता नहीं था कि फिर और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा वर्क करना चाहिए उस पर। तो फिर मैंने सर से इस बारे में बात करी और सर ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आके देख सकता हूँ कि बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं। तो इस बात के लिए तो मैं सबसे पहले सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। तो मैं यहाँ पे करीब 5 दिन पहले आया हूँ और मैं यहाँ पे देखा कि बच्चे यहाँ पे सुबह 8 बजे आते हैं और शाम के 8 बजे तक यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं। सुबह शाम 2-2 घंटे की सर क्लास लेते हैं और बीच में जो भी टाइम होता है बच्चे बैठ के अपनी तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया, जब मैं बैठा पढ़ने के लिए, तो मैं ये फील कर पाया कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। बच्चों के मतलब घर पे जितना पढ़ता था उससे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मुझे ये कहीं ना कहीं पता चला कि नहीं, कंपटीशन क्या है और कैसे तैयारी करना चाहिए ये मुझे पता लगा। निमसेट एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है और उसमें प्रिपरेशन भी बहुत मायने रखती है। तो इस हिसाब से मैंने ये मतलब फील किया मैंने कि नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। फिर मैंने यहाँ के 2 चीज़ सीखा। सबसे पहली बात कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है और किसी चीज़ पे फोकस कैसे रहा जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होती है और मुझे ये लगता है कि अब आगे से मैं जो यहाँ से मैं सीख के जा रहा हूँ वो मैं मेंटेन कर पाऊँगा और मैं अच्छी रिजल्ट दे पाऊँगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू अमन। जैसे देखिए, अमन ने बताया अब दिल्ली जैसी सिटी से आया, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, पर जो इसको फील था कि 3-4 घंटे पढ़ के ऐसा फील होता है अक्सर जब हम अकेले पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो वो कई बार समझ में नहीं आता, तो जब ये यहाँ आया और इसने देखा कि 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और करते ये हैं कि एक सुबह सेशन होता है, एक क्लास हुई सुबह, उसके बाद सेल्फ स्टडी सेशन, फिर लंच करके फिर सेल्फ स्टडी सेशन, फिर इवनिंग क्लास, फिर डाउट क्लास, इस तरह से एक पूरा दिन भर का रूटीन होता है। वही रूटीन में आप सबको बोलूंगा जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आप फॉलो करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बेसिक से सारी चीज़ें कवर की गई हैं, बहुत ही पॉजिटिवली अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देंगे। और इस साल आप देखें कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है तो इसका बेनिफिट लें। और अमन, मैं आपको बोलूंगा जो कुछ आपने सीखा है अब इसको खोना नहीं है, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना। जैसे सुबह क्लास के बाद आप सेल्फ स्टडी करते थे, फिर इवनिंग क्लास के बाद आप अपनी पढ़ाई करते थे, वही चीज़ फॉलो करें क्योंकि सारे टेस्ट पेपर्स, क्लासरूम शेड्यूल वो सब आपको टाइमली मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन स्टूडेंट भी बिल्कुल वैसे ही जुड़ा जैसे क्लासरूम वाला जुड़ा, आप भी जुड़े हुए हैं, तो उस सबका बेनिफिट लें और बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।